लखीमपुर थप्पड़ कांड के बाद मचे बवाल के बीच अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए मजे लिए। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, जो भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है लखीमपुर थप्पड़ कांड को लेकर, क्या कुछ उन्होंने कहा है? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ आज जब वो जनेश्वर मिश्र पार्क जाना चाहते थे तो उन्हें रोका गया, जहां पर जनेश्वर मिश्र पार्क नहीं, जब वो जयप्रकाश नारायण की जयंती पर वहां श्रद्धांजलि देने जाना चाहते थे तो उन्हें रोका गया। इससे कहीं ना कहीं उनमें आज झल्लाहट देखने को मिली। इस बीच उन्हें मौका मिल गया लखीमपुर कांड का, क्योंकि लखीमपुर कांड को आज तीसरा दिन है, लेकिन आज अखिलेश यादव ने आज मजे लिए हैं। उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बयान जारी किया और वो बयान कहीं ना कहीं योगी सरकार पर तंज कस रहा है और खासकर तंज कस रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। उसको लेकर जो उनका बयान है वो काफी दिलचस्प भी कहा जाएगा, और जिस तरीके से अखिलेश यादव मजे ले रहे हैं उसको सुनकर हर कोई ये कह सकता है कि अखिलेश यादव को एक बड़ा मौका मिल गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अखिलेश यादव को और उनकी पार्टी को गुंडों की पार्टी बताती थी। उनके यहाँ जिस तरीके की घटनाएं होती थी उसको लेकर वो घेरने का काम करती थी। अब मौका मिला समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को, तो उन्होंने लखीमपुर कांड को लेकर मजे लेने में कतई नहीं चूके। और जिस तरीके का उनका बयान है, पूरा बयान अगर गौर से सुनेंगे तो हर कोई हंसेगा भी और भारतीय जनता पार्टी पर सवाल भी खड़ा करेगा। तो उनका बयान इस तरीके से है प्रियांशु, वो कहते हुए जो सुना जा सकता है वो कह रहे हैं कि इससे पहले आपने जूते गिने होंगे, एक दूसरे के सिर पर विधायक और सांसद में जूते चले थे, या सोचिए भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार और शिष्टाचार कितना अच्छा है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक को न केवल एक झापड़ मारा बल्कि पिटवाया औरों से भी। अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आप भी विधायक जी पर झापड़ पड़ने के बाद लगातार वो पिटते रहे, और सोचिए पुलिस खड़ी रही वहां पर। और भी ये भी कहा उन्होंने कि अभी तक FIR नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई, कहीं ऐसा तो नहीं विधायक जी झापड़ खाने के बाद समझौता कर लें। उनका तंज विधायक को लेकर भी है देखिए, और इस पे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल है और साथ ही सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर तो है ही। इसके अलावा वो कहते हैं, ये भी कहते हैं, जब पीछे से उनके समर्थक बताते हैं कि जिन पर उन्हें मारने का आरोप है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, बार के अध्यक्ष अवधेश सिंह, उसको लेकर कहते हैं लोग कि वो टेनी जो पूर्व मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री उनके खास हैं। तो इस पर भी अखिलेश यादव कहते हैं पता नहीं कौन किसका वकील है, कौन किसका साथी, इससे कोई लेना देना नहीं है। पूरे देश ने देखा है एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को किस तरह से अपमानित किया है। यही तो हम कह रहे थे, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा देगी सरकार, संविधान को खत्म कर देगी। तो अखिलेश यादव ने जो सदर से विधायक हैं लखीमपुर के योगेश वर्मा, जिनको पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और आरोप था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की पूर्व अध्यक्ष पुष्पा सिंह के पति और अवधेश सिंह जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उन पर पिटाई करने का, क्योंकि ये कई दिनों से आग सुलग रही थी, नगर पालिका चुनाव की ये आग होनी बताई जा रही है, जिसमें पुष्पा सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था और उनको हराने का आरोप योगेश वर्मा पर था। यही कारण था कि अवधेश सिंह कहीं ना कहीं उसी झल्लाहट में थे। और इधर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव हो रहे हैं जिसकी अध्यक्ष रह चुकी है पुष्पा सिंह और फिर से एक बार चुनाव लड़ना चाह रही थी, उसी को लेकर कई दिनों से माहौल गर्म था और ये माहौल इस तरीके से थप्पड़ कांड के रूप में सामने आया। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया खुद अखिलेश यादव आज सामने आए और उन्होंने मजे लिए, क्योंकि आज पुलिस प्रशासन से उनकी भी बहुत देर तक झड़प हुई है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन से वो भी झल्लाए होंगे, और वो आज दिखाई दिया उनके बयान में, जिसे आप सुन भी सकते हैं। इससे पहले आपने जूते गिने होंगे एक दूसरे के सर, विधायक और सांसद में जूते चले थे, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार शिष्टाचार कितना अच्छा है। और इस बार
भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भारतीय जनता पार्टी की विधायक पर न केवल एक मारा झगड़ा बल्कि पिटवाया औरों से भी। अगर पूरा वीडियो देखोगे आप तो विधायक जी पे झापड़ पड़ने के बाद लगातार वो पिटते रहे और सोचिए पुलिस खड़ी हुई है वहां पर, पुलिस खड़ी हुई है और अभी तक FIR नहीं हुई है और गिरफ्तारी नहीं हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं विधायक जी झापड़ खाने के बाद समझौता कर ले? मुझे नहीं पता कौन किसका वकील है, कौन किसका साथी है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पूरे देश ने देखा है कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को किस तरीके से अपमानित किया है। यही तो हम लोग कहते रहे कि संविधान की धज्जियां उड़ा देगी सरकार, लोकतंत्र को खत्म कर देगी। तो प्रियांशु आपने सुना भी होगा इस तरीके का बयान। अब समाजवादी पार्टी ने मजे ले लिए, आगे इस पर राजनीति और गरमाने के चांस हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग चर्चा ये भी कर रहे हैं कि इस पे कार्रवाई भी देर सवेर हो सकती है। अब शासन इस पे क्या जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई करेगा या क्या कुछ निकल करके आएगा, ये फिलहाल देखना होगा। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है लखीमपुर थप्पड़ कांड पर। आखिरकार अखिलेश यादव भी ने भी अपना बयान जारी किया है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए एक हिसाब से मजे भी लिए हैं और प्रहार भी किया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने जो विधायक के साथ घटना हुई है उसका उन्होंने जिक्र भी किया है, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। ये जो वीडियो है इसको भी लोग वायरल कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव ने आज बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगाया है। इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।